अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या काम पे लगी हुई है बाजी? अच्छा अच्छा, ते इतनी दूर में कुछ शादी के तो अपने काम पे लग गए वे? इतनी दूर से मुझे बुलाया फिर अपने काम पे लग गए? अच्छा, क्या कर रही है? अच्छा अच्छा, किराए से तंग हो गए ना? अच्छा, कहाँ पर डेरे लगाए? कहाँ कहाँ पे रह रहे थे किराए पे? पहले लोधरा की रिहायशी। अच्छा, पहले लोधरा की थी। सही सही, इतनी दूर यहाँ कैसे आए फिर? छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? छह बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, छह बच्चे हैं। और सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? ये है तकरीबन 9.5 साल। इधर आओ, कौन सा है नाम है आपका? पढ़ते हो? कहाँ पे? यहाँ पर। यहाँ पर कौन छोड़ने जाता है? अकेले पैदल जाते हो? अच्छा, पहले कहाँ पे रहते थे बेटा? लोधरा पर। अच्छा, लोधरा रहते थे। वहाँ पे ज्यादा अच्छा था या यहाँ? यहाँ। क्यों? अच्छा भाई जान, बच्चों को तो ये जगह ज्यादा पसंद आ गई है। पहले आप शहर में रहते थे? ये शहर में रहते थे। अच्छा, वहाँ पे लाइट है? वहाँ पर शहर के खर्चे जो है गरीब बंदा कैसे बर्दाश्त करे? अच्छा, ये तो है, गरीब बंदा शहर के खर्चे फिर कैसे बर्दाश्त करे? सही सही, खाने के लिए भी बहुत परेशान होते हैं और शहर के किराए भी उसे भी बहुत परेशान थे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आके डेरा लगाया हमने। अच्छा, अल्लाह वारे थे, अभी फिलहाल तो कोई रोजी का सिस्टम भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, घर पे लगे हुए हैं अभी तो? घर पे ही फिर यही पे खुद बनाई है आपने? ये देखे है ना आप, सीधी दीवारें भी नहीं है। अच्छा, जैसे हमें आया है तो हमने नहीं, मतलब कि ईंट भी खुद बनाई है, मिट्टी भी खुद लेकर आए हैं, लगाया भी खुद है। लगाया भी खुद ही है। वाह भाई वाह, अब ऊपर से लेपे उसको, लेपा भी खुद दे रहे हैं। मौसम आपको पता है, सर्दी है ना, सर्दी भी है और खराब भी है, बारिश आ गई तो ये ईंटें खराब। ओह हाँ, मिट्टी की ईंट है ना, बारिश आ गई तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी, इसलिए फिर ऊपर से जल्दी जल्दी लिपाई करे, चाहे सर्दी जितनी भी है ना लगे हुए है, ताकि जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ले। ये कितना अरसा हो गया आपको ये सारा काम करते हुए? एक छोटा काम इतने दिनों में कितना कितने कितने अरसे में ये सारा काम किया? ये कहाँ से लेकर लगाया है? कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपको आए? यहाँ पर आए हुए तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीनों में ये सारा बनाया है? माशाल्लाह, फिर तो बड़ी मेहनत वाली बात है। माशाल्लाह, है तो सीधा सीधा आए ना, मिस्त्री हो ना ना कुछ, मतलब कुछ बाजी मसला ये है ना कि अगर मिस्त्री लगाते तो वैसे ही हालात इतनी खराब है। हाँ ये तो है, मिस्त्री की मजदूरी कहाँ से देते आप? मिस्त्री की मजदूरी कहाँ से देते? देख ले मेरे छोटे छोटे बच्चे, आज 4 दिन हो गए इनको बुखार है, मैं दवाई भी नहीं ले सकता। ओहो ये तो है। ये साइकिल किसकी है? ये साइकिल, ये आपकी सवारी है यानी के यही इनकी सवारी है यहाँ पे? और सवारी नहीं है मेरे पास। और ये सामान है, ये एक पंखा है, डीसी पंखा है, जो शायद एक प्लेट पे गर्मियों में चलाते होंगे। इसके अलावा इनके पास ये थोड़े से बिस्तर मौजूद है, दो तीन जैसे एक बच्चे का हो गया, थोड़े से इनके पास कपड़े मौजूद है। ये देखते हैं इनके दूसरे कमरे में क्या है। आ क्या दरवाजा लगाया हुआ है भाईजान ने, क्या करें भाई, दरवाजे के पैसे नहीं है। अच्छा अच्छा, ये दूसरा कमरा बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें मेरे ख्याल में ये रोटी पकाते है, क्योंकि गर्मियां सर्दियां बहुत ज्यादा है ना, तो ज्यादा है ना। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो है, ये क्या, ये क्या आपने पानी जमा करके क्यों रखा हुआ है? बाजी हमारे पास नलका नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है? नहीं ना। कितनी दूर से भर के लाते हैं? ये बहुत दूर से भर के आते हैं, वहाँ एक पुराना नलका आपने नहर पे लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, वहाँ से भी भर के आते, कभी कभी नहर से भी। अब मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, 6-7 महीने पहले एक नहर पे चार चौक से नहर थे, उधर से भर के लाते हैं। सही सही, तो ढूंढा भी इन्होंने वहीं से ही होगा जो मिले। पीने का पानी भी वहीं से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कोई नजदीक नहीं है सिस्टम हमारे पास। अच्छा अच्छा, ये तो फिर बड़ा फिर ये ईंटें कैसे बनाई? ये ईंटें वहाँ से ड्रम भर भर के आते थे। अच्छा, ये साथ हमसायों से रेडी लेके ना। अच्छा अच्छा, हमसायों से रेडी लेके खोता रेडी जो होती है लेके, फिर वो ड्रम भर के लाए, वो जमा कर लिया। ये भी अभी ड्रम भरे हुए हैं, तो किया हुआ है? हाँ जी, ये अभी इस्तेमाल के लिए किया हुआ है, ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा जाएंगे हम भरने के लिए। अच्छा अच्छा, एक ड्रम ओपन है, एक ये ड्रम है, दो ड्रम भरे हुए हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये फिर जाएंगे पानी भरने के लिए। फिर गधा रेडी है, उस पर जाते हैं तो वो सारा भर के ले आते हैं, फिर दोबारा से जाते हैं। तो जी बड़ा मुश्किल काम है ना, वहां से यहाँ सेरा किया है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या पेश आ रही है?
चला इनकी रोजी के लिए भी कुछ करते हैं अबू जी। पानी की इनकी सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि आप हेल्प कर दें तो हम आप रोजी पे जा सकेंगे ना, रोजी भी कर सकेंगे और हमारे लिए ये चश्मे से काम नहीं होगा। हाँ जी ये तो है। तो भाई जन ये अभी ये देखिए ये कितने पैसे होंगे, ये लीजिएगा ये कितने पैसे। हाँ जी बच्चे की दवाई भी आपने लानी है ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह भाई जन को कोशिश करते हैं कि कहाँ पे लगवाएंगे, मैं तो शुरू कर दिया कि यहाँ पे लगवाएंगे, हम भी यहीं पर क्योंकि खुरा बना हुआ ना, मैं तो सोचा यहीं पे लगवाएंगे, पूछा ही नहीं। चलो अच्छी बात है। माशाल्लाह अभी बाजी के चेहरे पे खुशी आई है थोड़ी सी, अब आप खुश हैं? आपकी मेहरबानी है बाजी, आपने हमारी जो है मुश्किल हल कर दी। अल्लाह ताला की जात है, मुश्किल हल करने वाली मुश्किल कुछ है, अल्लाह ताला की जात से बड़ा कोई नहीं है। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह, जब इनका पानी आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह आज यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। तो अभी ये देखिए कि बोरिंग हो गई है। अच्छा तकरीबन कितनी हो गई है, 120 फुट। ये रेत निकली हुई है आपको नजर आ रही है और यहाँ पे अभी बोरिंग चालू है, 120 फुट हो चुकी है और तकरीबन मेरे ख्याल में अभी पानी भी आने वाला होगा। ये घर है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने पहले भी दिखाया है, यहाँ पे ये नहीं था। वर्किंग हो रही है, वर्किंग के बाद जैसे ही यहाँ पे पानी आएगा फिर बाद में भी आपको दिखाएंगे कि मैं भी इंशाल्लाह। अच्छा तो खुश है, बेगम किधर चली गई है? काम अच्छा चलो ठीक है, जब एंडिंग होती है तो फिर आपको दिखाते हैं, जब पानी आएगा तो वो अपना काम करने गई होगी। बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला आपको जो है आज नसीब करे, आमीन आमीन, और आपकी लंबी जिंदगी करे, उनको भी के लिए भी दुआ करते हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं। हाँ जी और उन सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी टीम का सब। ये इस जंगल में इस जगह पे भी माशाल्लाह पानी आ गया है और घर का पानी जब आता है ना जिसके पास नहीं होता उसे पता चलता है कि मुझे ये कैसी नेमत मिली है। तो भाई जी कैसा महसूस हो रहा है आपको? शुक्र है अल्लाह का बाजी, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जी हाँ जी, अभी ये आप देख लें इतने सारे कपड़े हमने धोए हैं, पहले दूर से जाते थे भरने के लिए। अच्छा अच्छा सही सही, बड़ी दूर तक जमा पड़े थे। अच्छा अच्छा अल्लाह का शुक्र है आपने, और घर को भी सारा घर फ्रंट से अभी माशाल्लाह इन्होंने मिट्टी की लिपाई कर ली है क्योंकि पानी भी तो घर का आ गया ना, तो अब बड़ी इनके लिए आसानी हो गई है। यहाँ पे इस जंगल में पानी आ गया है, फिर अभी फिलहाल रखिएगा आपकी बेगम का जोड़ा है, और ये शॉल है एक, और ये बच्चों की स्वेटरें हैं इसमें। व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है, और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।